हेलो बच्चों वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे थे तो लेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं लेंस की डेफिनेशन लेंस के इमेजेस की पोजीशंस उसके बाद लेंस फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो लेंस मेकर फॉर्मूला था उसके स्पेशल केसेस और कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम आगे चलते हैं लेंस में कंटिन्यू करते हैं तो लेंस के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पावर ऑफ लेंस अब लेंस क्या करता है रेस को कन्वर्स करता है या डायवर्स करता है तो पावर क्या होती है लेंस की पावर हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस जो होगी पावर मींस आप देखो द एबिलिटी पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ज द एबिलिटी टू कन्वर्ज कन्वर्ज और डाइवर्ज द एबिलिटी टू कन्वर्स और डायवर्स द रेस आपको पता है लेंस क्या करता है कन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है रेस को तो कन्वर्स करने की या डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस ठीक है तो पावर एबिलिटी हुई और हम पावर को कहते हैं यह है रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ तो लेंथ को लेंथ का फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है इसको हम पावर कहते हैं पावर so को हम लिखते हैं पी से पी इक्व टू होता है वन अपॉन एफ ठीक है फोकल फोकल लेंथ का रेसि हो गया पावर अब एक्चुअल अगर फॉर्मूला देखा जाए पावर का तो एक्चुअल फॉर्मूला जो पावर का होता है वो लिखा जाता है इस तरह से P इक्व टू म्यू अपॉन एफ अब म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम होता है तो मैं म्यू एम भी लिख सकता हूं यहां पर पावर ऑफ द लेंस निकालनी है तो जरूरी पावर ऑफ द लेंस फोकस जो फोकल लेंथ है उसके उसी पे आएगा उसी से निकलेगा नहीं पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है म्यू मीन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन एफ जनरली हम एयर लेते हैं इसलिए पावर का फॉर्मूला वन अपॉन एफ हो जाता है और वन अपॉन एफ जब होगा जब फोकल लेंथ आपकी मीटर में हो तो वन अपॉन एफ होगा और ये अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में रखनी है तब पावर का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे ध्यान रखें हैं हंड्रेड अपॉन फोकल लेंथ एफ बट यहां पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में पुट करेंगे ठीक है तो पावर के एक तरह से हमारे पास तीन फॉर्मुले हो गए मीडियम के अकॉर्डिंग ये हो गया और मीटर में अगर फोकल लेंथ है तो ये है और सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है तो ये है ठीक है तो ये पावर के फॉर्मूले अब यूनिट की बात करें अगर पावर की तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर पावर की यूनिट डायोप्टर होती है तो हम जनरली डी से लिख देंगे डी डी लिखकर चलाएंगे पावर प्लस वन डी माइनस वन डी दोनों तरह की पावर पॉजिटिव नेगेटिव भी होती है डी है, मींस डायोप्टर अब जैसा कि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर भी पॉजिटिव होगी और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव होगी तो पावर बिकॉज फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है दो टाइप की फोकल लेंथ है पावर भी दो टाइप की आ जाएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लियर तो पावर की हमने बात की है पावर ऑफ लेंस राइट चले आगे नेक्स्ट तो पावर ऑफ लेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ तो नेक्स्ट आता है इसमें मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस तो मिरर का मैग्निफिकेशन हम पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से लिखते हैं ये आता है हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मुला आपको पता है मैग्निफिकेशन मीन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला होता है तो मैग्निफिकेशन का मैग्निफिकेशन तो का फॉर्मूला होता है बाय बायू यही मैग्निफिकेशन सेम मिरर में पढ़ा था तो मिरर में लिखा था हमने माइनस वी बायू और लेंस के लिए हम पढ़ेंगे तो लेंस के लिए आएगा वी बायू वी इज अ डिस्टेंस ऑफ इमेज यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये है हाइट ऑफ इमेज ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये एम की वैल्यू है अब जैसा कि आपको पता है जो लेंस हमने बनाया लेंस जो होता है हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट यह रहा और इमेज या तो इस साइड बनती है और या फिर इमेज इस तरह से बनती है इस जगह पर ठीक है तो इमेज इस तरह से बनेगी या इस तरह से बनेगी जैसी भी इमेज बने हमारे पास इमेज के हिसाब से हम मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं अब देखो यहाँ पर हाइट ये ऑब्जेक्ट की और ये इमेज की हाइट एच आई ये भी इमेज की हाइट एच आई ठीक है अब आप देखो निकालें अगर तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से आएगा अगर आपकी इमेज ये होती है इस साइड, ऑब्जेक्ट साइड जो इमेज होती है वर्चुअल इमेज होती है तो अगर इमेज वर्चुअल है वर्चुअल इमेज है और दूसरी होती है रियल इमेज तो रियल इमेज आपकी वर्चुअल इमेज कैसी होती है इरेक्टेड और रियल इमेज कैसी होगी रियल इमेज होती है इन्वर्टेड ये रियल है तो ये इन्वर्टेड होती है ठीक है अब जैसा कि आपको पता है अबो द प्रिंसिपल एक्सिस जो हाइट होती है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे तो नेगेटिव अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगी तो मुझे बताओ अगर वर्चुअल इमेज है ऑब्जेक्ट तो ये रहा इमेज वर्चुअल दोनों प्लस के है ना तो एम पॉजिटिव आएगा अगर प्लस एम दे रखा है इसका मतलब इरेक्टेड इमेज है और वर्चुअल रखा है इनवर्टेड तो माइनस तो आएगा तो एम कैसा होगा नेगेटिव होगा अगर एम नेगेटिव है दैट मीनस इमेज रियल है और इन्वर्टेड है क्लियर इसके अलावा थर्ड केस हम कह सकते हैं कि अगर इमेज आपकी एम की वैल्यू अगर एक से बड़ी है ग्रेटर देन वन है तो एम इज ग्रेटर देन वन तो क्या होगा साइज जो इमेज की होगी इमेज की हाइट या इमेज की साइज वो बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से और अगर एम की वैल्यू लेस देन वन है तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी तो एम की अगर आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यू तो एम की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू साइन की हम बात नहीं कर रहे हैं एम की न्यूमेरिकल वैल्यू एम की न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू की बात करेंगे अगर वो एक से बड़ी है तो साइज इमेज की बड़ी आएगी अगर एम की वैल्यू एक से छोटी है तो साइज इमेज की छोटी आएगी और एम की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड है और एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्टेड है क्लियर तो ये हमने एम के लिए रिलेशन पढ़ा लेंस का मैग्निफिकेशन है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वी बाई यू या आप ध्यान रखें वी बाई यू एम इक्वल टू वी बाई यू फॉर लेंस एंड एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू फॉर मिरर राइट चले आगे नेक्स्ट आ जाओ तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रिलेशन रिलेशन बिटवीन एम एफ एंड यू एम एफ एंड यू अब आपको पता है मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू अब हमें रिलेशन चाहिए एम तो एम तो लाना ही है हमें यू में रिलेशन चाहिए इसमें से वी एलिमिनेट हो जाएगा तो वी एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करें यहाँ पर हम यहाँ पर यू से मल्टीप्लाई और यू से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को इन टू यू कर देते हैं तो इंटू यू करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा यू और यहाँ आ गया एफ इक्वल्स टू यू बाई वी फिर माइनस वन आएगा ठीक है तो यहां पर ये यू बाई वी है बिकॉज आपको पता है एम इक्व टू क्या होता है एम इक्वस टू होता है वी बाई यू तो ये यू बाई वी क्या होगा यू बाई वी हो जाएगा वन अपॉन एम गया वन अपॉन एम माइनस वन ठीक है तो वन अपॉन एम की वैल्यू निकालें तो वन अपॉन एम की वैल्यू होगी u बाई एफ प्लस वन ठीक है तो यहां से m निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी f अपॉन एफ प्लस यू एम इक्व टू है एफ अपॉन एफ प्लस यू एफ अपॉन एफ प्लस यू एल ले लेंगे तो एफ प्लस यू हो जाएगा तो ये फॉर्मूला है रिलेशन है बिटवीन एम एफ एंड यू क्लियर तो नेक्स्ट आ जाओ फिर तो नेक्स्ट हम रिलेशन निकालेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन अब आपने एम निकाल लिया एम एफ और यू में निकाल लिया तो अब चाहिए एम एफ और वी में तो ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं वन अपॉन एफ इक्व टू क्या होगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इस इक्वेशन को अब किससे मल्टीप्लाई करें अब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v अपॉन एफ इक्वल टू जिसमें रिलेशन चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दो यहां पे पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा जाएगा और यहां v by U, इस जगह पर तो v बाई यू क्या होता है m होता है तो v अपॉन एफ इक्वल टू वन माइनस एम तो हमें तो m चाहिए तो m को इधर ले आते हैं m और ये उधर ले जाते हैं तो वन माइनस ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा वी बाई एफ और माइनस का एम इधर आके प्लस हो गया तो इसको हम लिखेंगे एम इक्वल टू एम इक्व टू होगा एफ माइनस वी अपॉन एफ एफ माइनस वी अपॉन एफ ठीक है तो u वाले में क्या था f अपॉन एफ प्लस यू और इसमें है f माइनस वी अपॉन एफ ये है m f और v में रिलेशन और m इक्वस टू एफ अपॉन एफ प्लस यू वो था m f और u में रिलेशन क्लियर तो इस तरह से आता है चले आगे तो so नेक्स्ट और जो लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन तो लेंसेस का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम पढ़ें या लेंसेज का कॉम्बिनेशन पढ़ें इसमें आप देखो पहला लेंस ये है फर्स्ट और सेकेंड लेंस के कॉम्बिनेशन में डाल देंगे तो दो लेंस हो गए दो फोकल लेंथ होगी फर्स्ट की होगी एफ वन और सेकेंड की आ जाएगी एफ टू अब आपके पास दो फोकल लेंथ है तो आप देखो सपोज करें ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी ये है रे तो ये लेंस है और ये लेंस आपकी इमेज बना देगा सपोज करें यहां पर ये नॉर्मली आपको पता है ये रिलेशन होता है ठीक है बट अगर मैं दूसरा लेंस यहां पे लगा दूंगा एक और लेंस लगा देता हूं तो आप देखो अगर मैं लेंस एक और लगा देता हूं यहां पर तो क्या होगा सपोज करें एक लेंस और लगा दिया मैंने तो फिर जो रे जारी थी इस तरह से जैसे ये रे यहां पे टर्न हो गई थी तो कंटिन्यू होती अगर दूसरा लेंस नहीं आता तो ये इमेज यहां बन जाती वो थी आई डैश बट आपको पता है अब दूसरा लेंस भी आ गया तो रे फर्स्ट लेंस से रिफ्लेक्ट होगी फिर सेकेंड लेंस से फिर रिफ्लेक्ट होगी और ये इमेज बनेगी फाइनल आई पर यहां पर ठीक है क्योंकि दूसरा लेंस अब इमेज बनाएगा वो फाइनल इमेज होगी और आई डैश कौन सी इमेज होती है इंटरमीडिएट इमेज आई इज फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बो टू लेंसेज तो ऑब्जेक्ट तो हो गया वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लिखते हैं यू से तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा यू तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आई डैश इंटरमीडिएट इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे वी डैश और फाइनल इमेज की डिस्टेंस लेंगे हम वी या आएगी वी ठीक है फाइनल इमेज की डिस्टेंस भी इंटरमीडिएट इमेज की डिस्टेंस आई डैश और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है यू फर्स्ट फोकल लेंथ एफ वन और सेकेंड फोकल लेंथ एफ टू अब जैसा कि हम मानते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन के बाद ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर आ, काम करेंगे तो इन दोनों की मिलकर फोकल लेंथ आएगी और पावर भी इन दोनों की मिलकर आएगी मिलकर मतलब हम कहते हैं इक्वल एंड पावर और इक्वल एंड फोकल लेंथ तो हम ये मानते हैं सपोज ये दो लेंसेज थे सपोज करें इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाए हम तो एक ही लेंस मैंने बना दिया तो ऑब्जेक्ट तो ये रहा और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है यू है ठीक है और इमेज फाइनल क्या है वो है वी ठीक है तो इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी एफ इक्वलेंट इक्वलेंट फोकल लेंथ होगी मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जो ये फोकल लेंथ आई है एफ इक्वलेंट है क्लियर तो फिर हम देखें बेटा अब इसमें देखते हैं हम देखो एफ इक्वल कैसे निकलेगा तो आप ये जो पहला लेंस है फर्स्ट लेंस इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाए हैं हम क्या कर रहे हैं लेंस फार्मूला लगा रहे हैं लेंस फॉर्मूला तो लेंस फार्मूला सबके लिए लगाएंगे फर्स्ट लेंस के लिए लगाओ तो वन अपॉन एफ वन इक्वल टू वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू क्लियर एफ वन फर्स्ट लेंस है यू डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहां बनाएगा वी डैश पर आई डैश पर क्लियर है यहां पर पहले भी ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर चुके हैं अगर एक ही लेंस होता एक ही लेंस होता तो ये इमेज कहां बनती आई डैश पर बट दो लेंस हैं, तो एक्चुअली इमेज बनेगी आई पर तो अगर एक ही लेंस होता तो इमेज कहां बनती आई डैश पर तो एक ही लेंस की बात कर रहे हैं ना लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट लेंस के लिए फॉर फर्स्ट लेंस तो अगर पहले लेंस के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं हम तो वन अपॉन एफ वन इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन वी डैश वी की जगह वी डैश आएगा और यू अब ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला सेकेंड सरफेस के लिए लगाए फॉर सेकेंड सरफेस अब आपको पता है जैसे कि सेकेंड सरफेस के लिए फाइनल इमेज तो आई है बट सेकेंड सरफेस या सेकेंड लेंस के लिए फाइनल इमेज तो आई है तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा ये हम यूज कर चुके हैं पहले भी जब लेंस मेकर फॉर्मुले का डेरिवेशन किया था फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ओ है और इमेज आई डैश है सेकेंड लेंस के लिए इमेज आई है तो ऑब्जेक्ट क्या है आई डैश तो हम लिखते हैं सेकेंड सरफेस के लिए आपको पता है सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश जो होगा आई डैश बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सर्फेस क्लियर आपको पता है कि आई जो होगा इट बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस क्लियर सेकेंड लेंस के लिए फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट वो है इमेज आई डैश है सेकेंड लेंस के लिए इमेज आई है तो ऑब्जेक्ट क्या है आई डैश है तो यहां पर देखो सेकेंड सरफेस के लिए हम फॉर्मला लगा रहे हैं तो वन अपॉन एफ टू इक्वल्स टू वी क्या होगा फाइनल इमेज तो बी बनेगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे वी डैश ये सेकेंड इक्वेशन क्लियर अब अगर मैं कॉम्बिनेशन मानता हूं दोनों का दोनों का मिक्सिंग हो गई दोनों के कॉम्बिनेशन हो गया इक्वलेंट हो गया इक्वल एंड एफ इक्वलेंट हो गया यहां पर तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू है और इमेज की डिस्टेंस क्या है वी है तो हम इक्वलेंट का अगर फॉर्मुला लगाएंगे तो एफ इक्वल एट टू क्या होगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये थर्ड इक्वेशन है वे दोनों मिलाकर क्या कर रहे हैं दोनों मिलाकर वी पर इमेज बना रहे हैं किसकी किस ऑब्जेक्ट की जो यू डिस्टेंस पे था ठीक है तो ये है अब यहां पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन ऐड कर दें हम तो बहुत ईजी एड कर सकते हैं पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन ऐड कर दू तो अगर आप ऐड करोगे देखो ध्यान से एड करेंगे तो क्या होगा ये वन अपॉन वी डैश ये वन अपॉन वी डैश कैंसिल हो गया ये वन अपॉन एफ वन वन अपन एफ टू एड हो जाएगा ये वन अपॉन वी है प्लस ये माइनस वन अपॉन यू है तो अगर मैं वन अपॉन ये वन और टू को ऐड करता हूं तो मेरे पास लेफ्ट साइड में तो आएगा वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू और राइट right साइड में आएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये है इक्वेशन नंबर फोर्थ जो वन और टू को ऐड करने से आती है वन और टू को ऐड करने से इक्वेशन फोर्थ आएगी अब इक्वेशन थर्ड में राइट right साइड देखो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वेशन फोर्थ में भी राइट right साइड देखो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू तो थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर कर दे जाए इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय कंपेयरिंग फोर्थ एंड थर्ड इक्वेशन ये है अपॉन एफ इक्वलेंट और यहां पर है आपको मिलेगा वन अपॉन एफ इक्वलेंट इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपऑन एफ टू क्लियर तो ये दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन ने पढ़ा इक्वल एंट फोकल लेंथ इस तरह से निकलेगी अब वन अपॉन इक्वलेंट देखो आप, आपको पता है वन अपॉन एफ इक्वलेंट एफ वन अपॉन एफ क्या होता है पावर तो पावर इक्वलेंट चाहिए तो वन अपॉन एफ वन हो जाएगा पावर पी वन और वन अपॉन एफ टू हो जाएगा पावर पी टू ठीक है तो वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू करेंगे अपन इक्वल एट फोकल लेंथ निकालने के लिए और वन अपॉन पावर के लिए सिंपली आप एड कर लोगे पावर के लिए सिंपली एड कर लेंगे वह जाएगा पी वन प्लस पी टू ठीक है अब इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं आपको पता है अगर दो से ज्यादा लेंसेस हो तो वन अपॉन एफ इक्वलेंट क्या हो जाएगा वन अपॉन एफ इक्वलेंट हो जाएगा one upon plus one upon and so on, जितने लेंसेस आप ऐड करोगे जितने लेंसेस को आपने कॉम्बिनेशन के लिए रखा है वो उसमें ऐड हो जाएगा पावर इक्वलेंट चाहिए तो मोर देन टू लेंसेस हो तो पहले की पावर पी वन दूसरे की पावर पी टू और पावर कंटिन्यू करेंगे ठीक है इस तरह से पावर सारी ऐड हो गई इस तरह से फोकल लेंथ सारी इस तरह से वन अपॉइट एफ वन करके वन अपॉइन एफ टू से ऐड हो गई तो इक्वल एंडोलेंस निकालोगे पावर चाहिए निकालोगे ठीक और कॉम्बिनेशन हमने कैसा किया कॉम्बिनेशन हमने ये है कि पहला लेंस नंबर वन और नंबर टू ये दो लेंसेस का यहां पे कॉम्बिनेशन है ठीक है अब इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है वो क्या है स्पेशल केस ये दोनों लेंस तो आपने एक दूसरे के साथ चिपका के रख दी है दोनों लेंस एक से रे निकलेगी बीच में कुछ भी नहीं है एयर मीडियम है ही नहीं सीधा एक लेंस से निकल के दूसरे लेंस में एंटर कर जाती है स्पेशल केस क्या होगा कि अगर इन दोनों लेंस के बीच में कुछ गैप हो तो वो स्पेशल केस है कि दोनों लेंसेज के बीच में कुछ गैप हो सेपरेशन हो दोनों लेंसेज के बीच में कुछ गैप या कुछ सेपरेशन हो इस तरह से देखो आप यह है आपका फर्स्ट लेंस और यह है सेकेंड लेंस थोड़ा दूर और दोनों लेंसेस के बीच में गैप दे दिया डी और अब इनका कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है ठीक है डायग्राम के क्लियर हो रहा है आपको कि अब इनका कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है राइट सो so, डायग्राम में दिख रहा है टू लेंसेस हैं टू लेंसेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी जो सेपरेशन है इनके बीच का वो डी है तो पहला लेंस फोकल लेंथ एफ वन दूसरा लेंस फोकल लेंथ एफ टू अब इक्वल एंड फोकल लेंथ चाहिए तो वन अपॉन एफ इक्वलेंट वो आएगा वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू ये तो पहले भी लिखा था अब आएगा माइनस डी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में F1 F2 प्रोडक्ट में आएगा ये रिलेशन आप ध्यान रखें ये रिलेशन कब यूज करोगे जब दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो बट दोनों के बीच में d डिस्टेंस का गैप हो तब ये फॉर्मूला यूज करोगे अब इस फॉर्मूले को क्या पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं हमें पावर इक्वलेंट चाहिए तो पावर इक्वलेंट क्या होगी पी वन प्लस पी टू माइनस डी P1, P2, पी टू वन अपॉन एफ की जगह P1, वन वन अपॉन एफ की जगह P2 तो पावर इक्वलेंट भी चाहिए तो हम ऐसे निकाल लेंगे क्लियर तो ये सारे लेंसेस के जो हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा लेंस मेकर फॉर्मले के सारे केसेस तो हमने पढ़ लिए थे तो लेंस फॉर्मुला लेंस फॉर्मले के बाद लेंस की पावर लेंस का मैग्निफिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ये कुछ और फॉर्मले हमने पढ़े लेंस के लिए ठीक है तो लेंस के अब हम चलते हैं इसमें लेंस के आगे न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल लेंस का रे ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो सबसे पहली चीज ध्यान में आनी चाहिए कि आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है और कुछ बेसिक टर्म्स होती है वो आपको याद होनी चाहिए ठीक है थीके? तो देखो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं यहां पर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर वॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ध्यान से पढ़ो आराम से डेटा नोट करें ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो u की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर है ठीक है और u आपको पता है नेगेटिव होता है क्यों क्योंकि लेंस के फ्रंट पर रखा हुआ मतलब इस साइड ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर इस साइड है तो यहां से रेज निकलेंगी तो आपको जो डिस्टेंस मेजर करनी है यू वो इस साइड करनी है तो इस साइड डिस्टेंस नेगेटिव और रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है ठीक है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा माइनस थर्टी अब कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है इमेज फॉर्म तो कर, कर, तो कर रहा है तो इमेज फॉर्म करेगा तो इमेज फॉर्म कर रहा है इमेज फॉर्म कर रहा है टेन सेंटीमीटर पर क्लियर तो इमेज फॉर्म अगर टेन सेंटीमीटर पर कर रहा है तो आपसे पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगी ठीक है तो आपको समझ में आ रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें इसमें आप u v और f के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका पूछा इसमें फोकल लेंथ आपको निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे ना लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला तो वट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस तो क्या करेंगे बताओ v की वैल्यू कितनी है v की वैल्यू है 10 ठीक है अब इसमें क्लियर नहीं है आपके कि कि v इमेज उधर बनेगी इधर बनेगी इधर फिलहाल तो हम फॉर्मुला लगाए वन अपॉन एफ इक्व टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू जनरली लेंस क्या करता है कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है जनरली कॉन्वेक्स लेंस कौन सा फॉर्मूला बनाता है कौन सी इमेज बनाता है जनरली वो बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के अदर साइड लेंस के अदर साइड एक साइड तो ऑब्जेक्ट होता है उसके अदर साइड बनाता है तो जनरली हम v क्या लेते हैं 10 पॉजिटिव लेते हैं तो 10 पॉजिटिव ले लिया अब बताओ 1/f निकालना है f निकालना है तो v की वैल्यू तो हो गई 10 माइनस ये आ गया 30 तो माइनस -30 रखेंगे तो प्लस +30 हो जाएगा तो ये आ गया 1/10 1/30 एलसीएम ले लिया हमने 30 तो यहां पर आ जाएगा 30 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा तो 3 plus 1 मींस 4 upon 30 ध्यान रखें ये 1 upon f की वैल्यू होती है 4 upon 30 तो 1 upon f की वैल्यू 4 upon 30 है तो f की वैल्यू क्या होगी f की वैल्यू आ जाएगी 30 upon 4 मींस 15 by 2 मतलब 7.5 7.5 सेंटीमीटर सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 7.5 सेंटीमीटर अब आप देख लो फोकल लेंथ सेवन पॉइंट फाइव है इसका टू एफ कहा होगा फिफ्टीन पर तो ऑब्जेक्ट कहा प्लेस किया हुआ है थर्टी पर बहुत दूर है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी रियल बनेगी इनवर्टेड बनेगी अदर साइड बनेगी तो वी हमने क्या लिया प्लस टेन लिया क्लियर तो हमें पता लगा वी पॉजिटिव ही है और वी हमने जो लिया वो सही लिया ठीक ऑब्जेक्ट की क्या पोजिशन होती है ऑब्जेक्ट की पोजिशन होती है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस मतलब उसकी फोकल लेंथ से कम अगर यू होता तब वी नेगेटिव आता तो आपकी फोकल लेंथ कितनी है सेवन पॉइंट फाइव वी का केस बता दूं इफ यू इज लेस देन एफ मतलब यू आपका सेवन पॉइंट फाइव से कम होता उन दैट जो उस केस में क्या होगा वी नेगेटिव होता बट हमें पता है यहां पे हमने क्या लिया वी पॉजिटिव होता है और जनरली यहां पे क्लियर नहीं था तो भी हमें पता है जनरली जो लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है जिसकी वी क्या होती है पॉजिटिव ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं यह नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईक इंडेक्स ऑफ लिक्विड तो यह लेंस मेकर फॉर्मुले पर बेज है और ये किसी लिक्विड में डिप्ट है तो वन अपॉन एफ इक्वल टू पता है आपको म्यू एल विथ रिस्पेक्ट टू एम तो म्यूएल विध रिस्पेक्ट टू एम मतलब आपको समझ में आता है कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन ठीक है फिर आएगा upon R1, minus upon R2, है, lens, ही हो गया ठीक है इमर्ज इन लिक्विड फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम तो यहां पर हमें फॉर्मुला तो आपको ये लगेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू तो ये है ही सी ठीक है तो हमें यहां पे क्या चाहिए हमें यहाँ पे म्यू एम चाहिए ये वाला ठीक है अब ध्यान से देखो तो इसकी फोकल लेंथ 0.2 मीटर है 0.2 मीटर फोकल लेंथ प्लस की है तो हमें पता है कि डाइवर्जेंट ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वर्जेंट होता है बट लिक्विड में डालने के बाद ये डाइवर्जेंट बन जाएगा और कितने का डाइवर्जेंट बनेगा वन का वन डी पावर का डाइवर्जेंट लेंस बन जाएगा ठीक है तो मैं इस वैल्यू को कांस्टेंट मानूं तो सबसे पहले मैं एफ लगता हूं देखो एफ वो आएगा जीरो पॉइंट टू कब होता है एफ ये ये होता है लेंस जब एयर में होगा तो लेंस तो किसका है ग्लास का एयर का मीडियम क्या लेंगे एयर माइनस वन और मैं इस पूरे को कॉन्स्टेंट मान लेता हूं सी क्योंकि लिक्विड में डिप करें चाहे एयर में रखें ये कॉन्स्टेंट होता है वन पॉइंट फाइव माइनस वन तो ये आ गया पॉइंट टू ले लें तो पॉइंट टू वन अपॉन पॉइंट टू क्या होगा पॉइंट हटाएं तो ऊपर टेन अपॉन टू इक्वल्स टू यहां पर क्या आएगा मतलब ये आ गया सी तो टू से टू काट दो सी की वैल्यू क्या आ गई टेन ठीक है सी की वैल्यू टेन आ गई अब आपको बोल रहे हैं ये जो है आपके पास लेंस इस लेंस को जब मैं वाटर में डिप करता हूं लिक्विड में डिप करता हूं तो उसकी फोकल लेंथ एक तो डाइवर्जेंट हो जाता है और पावर वन हो जाती है ठीक है अब आपको पता है डाइवर्जेंट लेंस की पावर नेगेटिव होती है पावर यहां पर माइनस वन हो जाएगी ठीक है अब आप आ जाए पावर वन हो जाती है ठीक है तो वन अपॉन एफ अब हमने रख दिया लेंस को मीडियम में तो यहां पे आएगा म्यूएम यही तो निकालना है माइनस वन और यहां आएगा सी ठीक है इसको मैं एफ डैश भी कह सकता हूं तो वन अपऑन एफ डैश या न्यू पावर या न्यू फोकल लेंथ जो होगी वो डिप करने के बाद आ रही है तो वन अपॉन एफ डैश इक्वल टू पी डैश होता है तो मैं इसको पी लिख सकता हूं तो यहां पर लेंस का तो होता है 1.5 1.5 तो मैंने लिख दिया म्यू एम मुझे निकालना है माइनस वन इंटू सी कितना है सी आपका 10 है C ये रहा सी टेन रख दिया मैंने सीधे ठीक है तो पी डैश की वैल्यू कितनी है पी डैश की वैल्यू माइनस तो वन है इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव को थ्री बाई टू लिख सकता हूं थ्री बाई टू म्यू एम आ गया ठीक है थ्री बाई टू म्यू एम अच्छा टेन को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो टेन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा म्यूएम और टेन को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा माइनस टेन क्लियर हमें तो म्यू एम निकालना है तो म्यू एम निकालना है तो माइनस टेन को इधर ले आते हैं तो माइनस टेन अगर इधर आएगा तो प्लस टेन हो जाएगा तो प्लस टेन माइनस वन प्लस का नाइन बचेगा इक्वल्स टू फिफ्टीन अपॉन म्यू एम तो हमें तो म्यू एम चाहिए हमें तो लिक्विड का मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए तो फिफ्टीन अपॉन नाइन अगर हम थ्री से कैंसिल करते हैं तो ये आएगा फाइव अपॉन थ्री रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आ गया फाइव पॉइंट फाइव अपॉन थ्री फाइव अपॉन थ्री डिवाइड करके पॉइंट्स में निकाल सकते हैं तो आ जाएगा वन पॉइंट ठीक है तो ये आंसर होगा इस इस न्यूमेरिकल का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ट्राई करो देखो ट्राई करेंगे अपन हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है इसका टू थिन कॉन्वर्जिंग लेंसेज मतलब दोनों कॉन्वेक्स लेंसे फोकल लेंथ 20 एंड 40 आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं दोनों लेंस फाइंड द इफेक्टिव पावर अब इफेक्टिव पावर पूछिए इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लें तो इफेक्टिव पावर अपने आप आ जाती है ठीक है तो दो मिनट पॉज करके जरूर करें इसको ट्राई करें फिर आप देखें वन अपॉन एफ इक्वलेंट मतलब इसने यही पूछा है पावर इक्वलेंट पावर ही पूछा है, है और वन अपॉन एफ इक्वलेंट होता है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू अब ध्यान से देखें लेंथ किस में दे रखी है सेंटीमीटर में तो अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दे रखी है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पावर चाहिए डायोप्टर में और जो यूनिट होती है वो मीटर से रिलेटेड होती है तो फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए और मीटर में रखें अपन यहाँ पर तो फोकल लेंथ आपकी ट्वेंटी सेंटीमीटर है ट्वेंटी मीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय हंड्रेड अगली फोकल लेंथ फोर्टी है मीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाई हंड्रेड तो यह आगे हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी आगे हंड्रेड अपॉन फोर्टी तो जीरो से जीरो कैंसिल करें जीरो से जीरो कैंसिल करें एलसीएम क्या लें, एलसीएम ले? आ जाएगा फोर तो यहां पे आ जाएगा ट्वेंटी प्लस टेन मीन थर्टी बाई फोर तो आ गया थर्टी बाई फोर थर्टी बाई फोर मतलब सेवन पॉइंट फाइव डी तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद पावर आ जाएगी सेवन पॉइंट फाइव डी अब वो प्लस की है कि माइनस की है प्लस की है दोनों कॉन्वर्जिंग है दोनों की फोकल लेंथ प्लस रहेगी ध्यान रखें अगर एक डायवर्जेंट होता तो माइनस रखते हैं साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो वैल्यू को हम साइन के साथ रखेंगे प्लस ट्वेंटी प्लस फोर्टी तो आंसर आपका प्लस में आ रहा है कॉम्बिनेशन डायवर्जेंट होगा जिसकी जिसकी पावर सेवन पॉइंट फाइव डी हो जाएगी ठीक तो है तो इजी है कॉम्बिनेशन का फॉर्मला लगाना है बस चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इसमें ये वाला और कॉन्वे फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस रियल इमेजेस ऑफ साइज वन अपॉन टाइम्स

तो यहां से हमारे पास रिलेशन मिल गया हम कह सकते हैं u इधर ले आओ ठीक है माइनस यू और n को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो एन वी हो जाएगा ठीक है या फिर आप देखो तो ये रिलेशन मिल गया हमें हमारे पास ये रिलेशन है हमें जो रिक्वायर्ड होगा हम निकाल लेंगे चलो ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहां से v भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से u भी निकाल सकते हैं हमें जो रिक्वायर्ड होगा हम निकाल लेंगे चलो अब आगे देखते हैं पूछा क्या इसने फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मतलब यू पूछा है अब पूछा है तो हम क्या करें हमारे पास एम तो आ गया एम का फॉर्म लाइएरा माइनस वन अपॉन एम और इसने क्या बोला है फोकल लेंथ एफ एफ फोकल लेंथ इसमें दे रखी है एफ दे रखा है एम दे रखा है, दे रखा है और यू पूछ लिया आपसे तो आपने जो रिलेशन पढ़ा था आपको ध्यान हो एम इक्वस टू होता है एफ अपॉन एफ प्लस यू याद है आपको ये रिलेशन हमने पढ़ा एफ अपॉन सॉरी एम इक्व टू एफ अपॉन एफ प्लस यू तो क्या इस फॉर्मूले को यूज करके हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है तो हम इसमें u निकाल सकते हैं ठीक है और n और f दो वैल्यूज आपको दे रखी है तो इसी फॉर्मेट में निकालना है तो रख देते हैं हम m की वैल्यू कितनी है रियल इमेज है इसलिए m की वैल्यू क्या होगी माइनस वन अपॉन एन तो माइनस वन अपॉन एन रख दिया f तो आपको पता ही है और यहां पर आ जाएगा f प्लस यू तो आपको तो u निकालना है इन टर्म्स ऑफ f एंड n तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये आ गया माइनस का f और माइनस का u इक्वस टू यहां पे आ जाएगा एन एफ ठीक है u को राइट right ले जाओ एन एफ को लेफ्ट साइड ले आओ फिर तो आ जाएगा माइनस का f फिर ये राइट right ले आओगे तो माइनस का एन एफ इक्व टू यू को राइट right ले जाओगे तो एन एफ को लेफ्ट लाना है u को राइट right ले जाना है तो u क्या हो गया पॉजिटिव हो गया तो को ले लेके यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं माइनस आप कॉमन ले लो एफ आप कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचेगा u तो तो से आप देखोगे तो का मिला u की वैल्यू मिल गई माइनस वन अपॉन माइनस एफ वन प्लस एन ठीक है ये u की वैल्यू है क्लियर तो ये हमने निकाला यहां से u तो ये वैल्यू मिल जाती है ठीक चले आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसमें देखो एक क्वेश्चन और देखें इसमें एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस फाइंड द पावर ऑफ लेंस इसमें पावर ऑफ लेंस पूछा है आपसे ठीक है so, सो एन ऑब्जेक्ट प्लेसड अब देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हम कैसे निकालें जो जो डेटा दे रखा है वो आप पहले लिख लो एन ऑब्जेक्ट प्लेस ट्वेंटी सेंटीमीटर तो यू की वैल्यू दे दी ट्वेंटी सेंटीमीटर तो माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर ले लेंगे हैज इट्स इमेज फोर्टी सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस तो वी की वैल्यू आ जाएगी प्लस फोर्टी बिहाइंड द लेंस या रियल इमेज रियल इमेज भी बिहाइंड द लेंस बनती है तो वी प्लस का होगा तो रियल इमेज देंगे तो भी प्लस लोगे बिहाइंड द लेंस दें वी तो भी प्लस लेंगे हम ठीक है और फाइंड द पावर ऑफ लेंस तो पावर लेंस निकालनी मतलब फोकल निकाल ये ये भी इजी है अपॉन 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 एफ टू वी माइनस यू फॉर्मूला हमने लगाया तो वी की वैल्यू कितनी है फोर्टी रख देते हैं भाई फोर्टी और माइनस और माइनस ट्वेंटी रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी ठीक है तो आप देखो वन अपॉन एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉन एफ की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन फोर्टी प्लस वन अपॉन ट्वेंटी ठीक है और फोकल लेंथ दे रखी सेंटीमीटर में तो ध्यान रखें सेंटीमीटर में फोकल लेंथ मिलेगी सॉरी डिस्टेंसिस दे रखी थी सेंटीमीटर में तो आपको फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में मिलेगी चलो सॉल्व करते हैं पहले तो वन अपॉन एफ इक्वल टू फोर्टी ट्वेंटी एल्सियम क्या आया फोर्टी तो यहां पे आ जाएगा वन यहां पे आ जाएगा टू तो ये एफ की वैल्यू आ गई फोर्टी बाई थ्री सेंटीमीटर में फोर्टी बाय थ्री सेंटीमीटर ठीक तो है तो फोकल लेंथ अगर फोर्टी बाई थ्री सेंटीमीटर में हो तो हमारे पास एफ सेंटीमीटर में तो अपन हंड्रेड अपॉन एफ लगाएंगे अगर एफ मीटर में होता तो वन अपॉन एफ लगाते हैं ठीक है थीके? तो एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं पावर इक्वस टू क्या होगा हंड्रेड अपॉन आ जाएगा फोर्टी इंटू थ्री तो जीरो से जीरो कट गया पावर आ गया वही थर्टी बाय फोर अगेन पावर मिल गई हमें थर्टी बाय फोर मतलब सेवन पॉइंट फाइव डी प्लस का थर्टी बाय फोर सेवन पॉइंट फाइव डी और ये प्लस का होगा ठीक है प्लस का सेवन पॉइंट फाइव डी आ जाएगा क्लियर तो ये हमने पावर लिखी तो इजी था न्यूमेरिकल हम बहुत सारे न्यूमेरिकल आप देख रहे हो लेंस फॉर्मुला यूज करके करते हैं पावर निकालनी हो तो भी लेंस फॉर्मुला यूज करो वन अपऑन एफ सारे फॉर्मूले आप देखोगे लेंस मेकर में भी वन अपॉन एफ है और लेंस फॉर्मूले में भी वन अपॉन एफ है और वन अपॉन एफ क्या होता है वन अपॉन एफ पावर होता है ठीक है तो ये फॉर्मुला एक तरह से पावर का ही होता है बट यहां पे पावर आपकी पावर डायरेक्ट हमने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी अगर फोकल लेंथ मीटर में होती तो वन अपॉन एफ निकाल लेते वही पावर होती ठीक है बट हम पहले एफ निकालेंगे और एफ को वहाँ पे ऐसे पुट करेंगे तब हमारे पास पावर मिलेगी डायोप्टर में पावर की यूनिट डायोप्टर है फोकल लेंथ की यूनिट दो हो सकती है मीटर एंड सेंटीमीटर बट पावर की एक यूनिट है वो है डायोप्टर इसलिए पावर का फॉर्मूला होगा वन अपऑन एफ अगर एफ मीटर में हो या हंड्रेड अपॉन एफ अगर एफ सेंटीमीटर में हो तब आप पावर निकाल सकते हो ठीक है थीके? तो इजीली आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो जितनी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा न्यूमेरिकल फिजिक्स में जो पार्ट आपको वीक लगता है जिसके न्यूमेरिकल आपको वीक लगते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वीक पार्ट के करोगे वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन गुड बाय